अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग इस्लाम में कज़न मैरिज को लेकर सवाल करते हैं कि इस्लाम में कज़न मैरिज क्यों अलाउ है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा मज़हब है जिसमें कज़न मैरिज नहीं होती? क्या हिंदुइज्म में कज़न मैरिज नहीं होती? क्या क्रिश्चियन में कज़न मैरिज नहीं होती? या फिर कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जिसमें कज़न मैरिज नहीं होती? इवन मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें मामा ने अपनी भांजी से शादी कर ली या बहुत सारे कज़न ने आपस में शादी कर ली। तो ऐसा इस्लाम में ही नहीं है, सारे ही रिलीजन में है। तो सिर्फ इस्लाम को लेकर ही क्यों टारगेट किया जाता है? इस्लाम तो एक मुकम्मल दीन है। अगर कोई ये चाहे कि हम इसमें कोई एडिशन करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। और इस्लाम के जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं और करेंगे, हमें उनसे कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको इन सब चीज़ों से परेशानी है तो आप इस्लाम से दूर रहिए ना, क्यों आप इस्लाम के पीछे पड़े रहते हैं? आप लोगों को इस्लाम की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी मुसलमान को इस्लाम से कोई परेशानी नहीं है। हमारी शरीयत में जो कुछ लिखा है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। आपके ब्रह्मा जी ने आपकी माँ सरस्वती से शादी की, कभी किसी मुसलमान ने इस पर उंगली उठाई? नहीं ना। हमें तो किसी से कोई परेशानी नहीं है कि किसी के मजहब में क्या हो रहा है। तो फिर आप लोगों को इस्लाम से क्यों इतनी परेशानी है? अगर आपको बदलना ही है तो अपनी सोच को बदलिए। इस्लाम में बदलाव लाने की अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस्लाम तो मुकम्मल हो चुका है।